मथुरा के थाना छाता इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की मां 2 दिन से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन आरोप है कि छाता थाना अध्यक्ष पीड़ित पर रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के समक्ष पेश होकर अपनी आपबीती बताई, तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़ित की मां ने बताया कि उसकी 14 वर्ष की बेटी मंदिर पर लगे हैंडपंप से पानी भरने गई हुई थी। गांव का मानवेंद्र उर्फ कुक्कू पुत्र मान सिंह पहले से हैंडपंप पर नहा रहा था। मानवेंद्र ने उसकी लड़की को देखकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। इसकी शिकायत जब युवती ने घर जाकर अपनी मां से की तो मानवेंद्र गांव के 2 लोगों हर्रा पुत्र तेज सिंह एवं भरतो पुत्र रोहन सिंह को लेकर युवती के घर गया और उसकी मां, भाई और घर पर बैठे बुजुर्गताओं के साथ मारपीट कर दी, जिसके सूचना पीड़िता ने डायल 100 को दी। डायल 100 के पुलिसकर्मी आरोपी युवक को पकड़कर अपने साथ ले गए। मैं पानी लेने गई थी गांव से, काफी दूर है पानी, गांव में खारा पानी है। तो वहाँ पे मेरे गांव का मानवेंद्र नाम का लड़का नहा रहा था, तो मैं उसे देखकर वहाँ बैठ गई थोड़ी देर, मुझे नहा लेगा तभी पानी भर लूंगी। तो वो वहाँ से हट गया नहा के, तो मेरे समझी ये कपड़ा चेंज करने गया है, मैं भर लूँगी तब पानी में। मैं आज होकर अपना पानी भर रही थी तो वो ऐसे ही बाहर आया, कपड़ा चेंज करके नहीं आया, तो मेरे सामने कपड़े चेंज करने लगा। उसने कपड़े कुछ नहीं पहने थे, अपना कच्चा उतार के नहीं है, मेरी तमेड़ी के ऊपर फेंक के मार दिया उसने। मैंने बोला भैया तुम अभी रुक जा थोड़ी देर, या फिर दूसरे नल पर नहा लेते। उसने कहा तू बड़ी फालतू बोली, मुझे तो थप्पड़ मार दी उसने, मार पीट दी मेरे साथ नल पर।